नमस्कार। हमारा 31 जुलाई और 31 अगस्त तक एक माह का जो स्वच्छता अभियान चला है, इसके अंदर आप सबका बहुमूल्य योगदान रहा। पार्टी परिवार के प्रत्येक सदस्य ने इस स्वच्छता अभियान से ज़्यादा सदस्यों को जोड़ने का प्रयास किया। इस स्वच्छता अभियान के अंदर हमने जितने सदस्य जोड़े वो लाखों की तादाद के अंदर है। शायद ये इतिहास में पहली बार किसी क्षेत्रीय पार्टी ने एक महीने का जो टास्क दिया राजस्थान में, उस टास्क को पूरा करते हुए सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और ये सदस्य नहीं जुड़े लाखों, ये लाखों परिवार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ जुड़े। मैं आप सबको मेरी तरफ से बधाई दूंगा कि आपने पुरजोर तरीके से अपने अपने साधनों से संसाधनों से गांव-गांव डाणी डाणी पहुंच के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करने का प्रयास किया। RLP सत्ता के अंदर आए, इसका आपने प्रयास किया। चूंकि हमारी पार्टी राजस्थान के अंदर पहली वो पार्टी है जो इन दोनों पार्टियों के बीच जीरो से शुरुआत करके लड़ाई लड़के वो दोनों पार्टियों ने जो यहाँ राजस्थान की दुर्गति की है, इन दोनों पार्टियों कांग्रेस मुक्त भाजपा मुक्त राजस्थान अगर कोई चाहता तो RLP पार्टी चाहती है। जय जवान जय किसान के नारे के साथ RLP पार्टी का गठन हुआ। और मुझे ये कहते हुए गौरव और पूरी पार्टी परिवार अपना गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि एक महीने का जो टास्क आप बच्चों को दिया, पार्टी के बड़े से बड़े पदाधिकारी से लेके विधायकों से लेके प्रधान म्युनिसिपलिटी चेयरमैन से लेके तमाम नौजवानों ने, हमारे जितने जिलों के संयोजक है, संभाग प्रभारी, सह प्रभारी, जिला सह प्रभारी और पूरी जो टीम है, उन्होंने रात दिन एक करके आपने इस संख्या का वो आंकड़ा छू लिया जो मैं उम्मीद थी उससे आगे आप लोग निकले। 31 तारीख वो दिन आ गया जिसका इंतजार था। लेकिन पिछले दो दिन से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, अन्य माध्यमों से लगातार प्रदेश के नौजवान इस स्वच्छता अभियान की तारीख बढ़ाने की बात कर रहे हैं। चूंकि हमारी कोटा संभाग के चारों जिले दौसा, भीलवाड़ा, यहाँ संयोजकों की नियुक्ति में थोड़ा समय लग गया था और अब पूरे जिला संयोजक हमारे राजस्थान के अंदर बन गए, तो हम सब ने चिंतन किया और एक ही बात निकल के आई कि सबका मन है इस अभियान को और गति मिले। वैसे स्वच्छता अभियान चलता रहेगा चुनाव तक, लेकिन जो एक आपको टास्क देनी थी वो एक महीने का समय पूरा हुआ और सबकी इच्छा थी कि समय बढ़े। इसलिए पार्टी परिवार से बात करके, सब लोगों से बात करके, हम पूरे लोगों ने ये तय किया, सीनियर नेताओं से बात की कि स्वच्छता अभियान जो आज समाप्त हो रहा है 31 तारीख को, इसे हम 7 सितंबर तक इसको बढ़ाया जाए। 7 दिन तक स्वच्छता अभियान को बढ़ाने की मैं घोषणा करता हूँ। 7 दिन आप लोग उसी स्पीड के अंदर लगेंगे जो पहले आप लोग लगे थे, जहाँ सच्चे कम बने वहाँ ज़्यादा बढ़ाने। जो भी MLA के कैंडिडेट है चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो एक एक व्यक्ति 20,000 से लेकर 50,000 तक सच्चे बनाएगा। प्रत्येक व्यक्ति जो फेसबुक लाइव में जुड़ा, दूसरे माध्यमों से मेरे से जुड़ा, उसकी ड्यूटी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सच्चे बनाए ऑनलाइन ऑफलाइन। और सारा डाटा हमारे पास रहेगा। अब चुनाव का समय है, ये अंतिम लड़ाई राजस्थान की, राजस्थान को फतेह करना, इसके लिए सत्ता से सत्ता की ओर हमने जो नारा दिया था, अब वो समय आ गया कि सत्ता से सत्ता की ओर का जो नारा था उस की क्रियान्वित हो। और आप सबको मैं आने वाले समय के लिए मैं आपसे ये भी आह्वान करूँगा, प्रदेश में जो छात्र संघ चुनाव इस गूंगी बेरी सरकार ने बंद किए, BJP कांग्रेस से मिलकर जिस तरह छात्र संघों को गला घोंटने का काम किया, आप लोग कॉलेज विश्वविद्यालयों के जवानों को भी जोड़ के इनके अंदर एंट्री करके RLP की टीम यहाँ से भी ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बढ़ाने का प्रयास करें। मैं फिर से तमाम जो हमारी पार्टी की टीम है जो लगे हुए रात और दिन, एक एक व्यक्ति जो चिंता करा, मैं प्रवासी मेरे भाई जो राजस्थान से बाहर, चाहे कर्नाटक के अंदर, चाहे आंध्रा के अंदर, चाहे तेलंगाना के अंदर, चाहे गुजरात में, महाराष्ट्र में, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तमाम जगह, चाहे दिल्ली के अंदर, UP के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, उन सबको मैं कहना चाहूँगा कि आप सब लोग इस RLP के स्वच्छता अभियान से जुड़े और स्वच्छता से सत्ता की ओर जो हमारा नारा है, सत्ता
जब भी मिलेगी, जब हमारा स्वच्छता अभियान और तेजी से आगे बढ़ेगा, तेजी से बढ़ रहा है और दुगनी गति से हमें और इसको बढ़ाना, 7 दिन बढ़ाने की घोषणा करता हूँ। आप सबने सहयोग किया, इसके लिए धन्यवाद। आगे भी पूरी टीम मिलकर सहयोग करेगी। धन्यवाद। जय हिंद।